1663 में आज एक दिन लंदन के ड्रूरी लेन स्थित रॉयल थिएटर का शुभारंभ हुआ। 1664 में आज एक दिन फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने वर्साय पैलेस का उद्घाटन किया। 1727 में आज एक दिन रूस की महारानी कैथरीन प्रथम ने यूक्रेन से यहूदियों को बाहर करने का आदेश दिया। 1800 में आज एक दिन अमेरिका में इंडियाना प्रांत का गठन किया गया। 1861 में आज एक दिन प्रख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। वे कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में वापस कर दिया था। 1775 में आज एक दिन सिसली द्वीप के पास जर्मनी का जहाज डूबा, जिसमें 312 लोग मर गए। 1907 में आज एक दिन मुंबई में पहली विद्युत कार ट्राम चलाए गए। 1973 में आज एक दिन ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। आज एक दिन 1975 में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। साल 2000 में आज एक दिन व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। 2008 में आज के दिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।